यूं रोज रोज बीती बातों को सोचना, यूं रोज रोज बीती बातों को सोचकर परेशान होना कहाँ से सही है? तुम खुद बताओ, क्या ये सही है कि तुम उन बातों को लेकर परेशान हो जाते हो जो गुजर चुकी है, जो वापस नहीं आने वाली? और याद रखना, तुम्हारे सामने समस्याएं तुम्हारी कोई भी नहीं होंगी, और अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो उसको सजा मैं दूंगा। ईश्वर सबको माफ़ करता है, मौके भी देता है सुधरने के। गलतियां सबसे होती हैं, वो ईश्वर भी जानता है, लेकिन ईश्वर का नाम लेके अगर कोई ये सोचे कि वो गुनाह कर जाएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो गुनाह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर ईश्वर का नाम लेके, मेरा नाम लेके अगर कोई किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा या किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो इतना याद रखना कि उस जगह पर उसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और कितनी बड़ी गलती होगी ये तो गलती के ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, सुधरने के मौके भी दिए जाते हैं, आगाह भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंसान ये सोचने लग जाए कि उससे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता, वो सबसे बड़ी योजनाएं बनाता है, तो वो भूल जाता है कि मैं बैठा हूँ और मेरी योजनाओं से ऊपर कोई और योजना हो ही नहीं सकती। और इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अपने दिमाग में किसी भी तरह की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी परेशानियाँ मेरी हैं, मुझे करने दो, और मैं जो भी करूँगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, यकीन रखो। और अभी के लिए शुभरात्रि मेरे बच्चे, खुश रहो, हमेशा खुश रहो।